1818 के उस दौरान विषमता के आधार पर कुछ इंसानों के समूह के साथ बहुत अन्यायपूर्ण यातनादायक सलूक किया जाता था, बर्ताव किया जाता था। जानवर से भी बदतर उनका जीना हो गया था, जबकि वह शूर थे, वीर थे। उस पीड़ा को खत्म करने की कसम उन शूरों ने ली और उस विषमता को इस देश से बाहर निकालने की उन्होंने जब ठानी, तब उनके सर पे जो जुनून था वो इतना शक्तिमान था, इतना ताकतवर था कि 1818 की उस भीमा कोरेगांव की लड़ाई में समता की जीत के लिए मात्र 500 शूरवीरों ने 28,000 सैनिकों को मार गिराया और विषमता पर समता की सबसे बड़ी जीत हासिल की। समता के सपने, न्याय के सपने पूरे करने वालों को वो युद्ध एक प्रेरणा के रूप में आज भी देखा जा सकता है। आज के इस दौर में विषमता और अन्याय, जात पात के आधार पर, धर्म पर आधार पर अभी भी बरकरार है। उसको लड़ने के लिए अब युद्ध नहीं बल्कि विचारों की तलवार, संगठन की तलवार, भारत को महान बनाने के सपने देखने वाले सारे प्रगतिवादी समूह की ताकत एक साथ अगर आती है तो भारत महासत्ता फिर से जरूर बन सकता है। इस शौर्य दिन की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जिंदा का जन्म हमारे पास।
आणि माझ्या डोक्यात बंद फडकले युद्ध फडकले डोक्यामध्ये युद्ध फडकले चढले हो दंत आज 1 जनवरी है, नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसके साथ ही आज का जो दिन हम लोग याद करते हैं वो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में याद करते हैं। ये वो दिन है 1818 ईस्वी में 1 जनवरी के दिन 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई सैनिकों को परास्त किया था। युद्ध में 500 महार सैनिकों की विजय हुई थी, उसी की याद में ये जो 1 जनवरी का जो दिन आता है तो उसे हम विजय दिवस के रूप में या शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1818 का जो युद्ध था, उस दौर में जो युद्ध हुआ करते थे, लड़ाई हुआ करती थी, या जो अपना विरोध प्रकट करना होता था तो वो हथियारों से होता था, तलवारों से होता था, भाले से होता था, बर्छी से होता था। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। इन परिस्थितियों में आज का युद्ध जो है यह संगठनात्मक तरीके से होता है, शैक्षणिक रूप से होता है। तो इसीलिए आज के इस दौर में जब प्रतिक्रांति या पेशवाई जो लोग हैं वो पुनः पुराने दिनों को लौटाना चाहते हैं, पुरानी जो गुलामी रही है हमारी उस गुलामी को फिर से वो लाना चाहते हैं, तो ऐसे समय हमारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि फिर से उन 500 महार जैसे 1818 ईस्वी में चुने गए थे जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को हराया था, तो आज ऐसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है जो अपने समाज का नेतृत्व करें, और नेतृत्व इस तरह से करें कि हमारे वो संगठन देश भर में इस तरह से बड़ा रूप ले, ताकि हम पेशवाई जो भी संक्रमण हमारे देश में फैल रहा है या पेशवाई जिस तरह से अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जा रही है, तो उसके अधिकार को हम कटौती करके अपनी जो संस्कृति है, अपना जो इतिहास है, उसको पुनः दोहरा सकें। तो ऐसी मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो समाज का नेतृत्व कबूल करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए वो सामने आएँ,
ताकि हम अपने भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को, अपने धर्म के भविष्य को, अपनी संस्कृति के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नव वर्ष की मंगल कामनाएँ, सौर दिवस की मंगल कामनाएँ।